माउंट एवरेस्ट का नेपाली बटा संस्कृत नाम सागर माथा है, शाब्दिक रूप से समुद्र की सिर, जिसका अर्थ है महान समुद्र का सिर। सागर का अर्थ है समुद्र और माथा का अर्थ सिर है। माउंट एवरेस्ट का तिब्बती नाम कोमोलंगमा है, शाब्दिक अर्थ पृथ्वी की माता देवी है। क्योमोलंगमा, जिसे तिब्बती भाषा में पृथ्वी की माता देवी के रूप में जाना जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8848.86 मीटर 29031.7 फीट है। काला पत्थर, शाब्दिक अर्थ काली चट्टान। गोरक्षेप से काला पत्थर की दूरी लगभग 1.2 किलोमीटर 1 मील है। यह यात्रा आमतौर पर 2 से 3 घंटे लगती है। काला पत्थर की ऊंचाई समुन्दर से 5550 मीटर 18208 फीट है। यह नेपाल के हिमालय में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेकिंग यात्राओं का सबसे ऊंचा बिंदु है। इस यात्रा में हमें धीरे धीरे और सावधानी से चलना होता है, क्योंकि ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी का प्रभाव पड़ सकता है। ट्रेकिंग के दौरान आपको रास्ते में बर्फ से ढके पहाड़ और ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, जो इस यात्रा को और भी खास बनाते हैं। अधिकांश यात्री सुबह करीब 4:30 बजे काला पत्थर की ओर चलते हैं, ताकि वे सूर्योदय की दृष्टि देख सकें। सुबह की यात्रा ठंडी होती है। काला पत्थर के शीर्ष पर लगभग 1 घंटे बिताने के बाद सूर्य धीरे धीरे बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों को गर्म करने लगता है। कुछ लोग सूर्यास्त भी देखने जाते हैं, लेकिन वहाँ तेज हवाओं के बावजूद चलना मुश्किल होता है।
माथा सशिखरा हिमालये महत्स्थले उच्चतमं शिखरं धीरं यत्र शांति सदा स्थिता हिमवता शिखरे रम्ये यत्र सूर्यस्य तेजसा धन्य तद्विश्वंगरे सागर माथा तु भूषणम् दिव्यं शिखरं प्रख्यातं पर्वताराज शिरोमणि तन् नमामि महाशक्ति सागर माथा मनोहर। हिंदी अनुवाद। सागर माथा माउंट एवरेस्ट हिमालय में महान स्थल पर स्थित है। यह सबसे ऊंची और वीर शिखर है जहां शांति सदा निवास करती है। हिमालय के रमणीय शिखर पर जहां सूर्य की किरणें चमकती हैं, वह धन्य नगर विश्व में अद्वितीय भूषण है। यह दिव्य और प्रसिद्ध शिखर पर्वतों का राजा और शिखर का मणि है। हम उस महान शक्ति को नमन करते हैं जो सागर माथा के रूप में मनोहर है। अस्त्युत्तरस्या दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वाप्रो तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडा। हिंदी अनुवाद। उत्तर दिशा में देवताओं का आत्मा हिमालय नामक पर्वतों का राजा स्थित है जो पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्रों को अपने में समेटे हुए पृथ्वी पर मानदंड मर्यादा की तरह स्थित है। हिमवतः तुंगत्राः केतवः पर्वतोत्तमाः सर्वे ते गिरियो मुख्याः पर्वताना च भूषणम्। हिंदी अनुवाद। हिमालय से ऊंचे शिखर श्रेष्ठ पर्वत हैं। वे सभी मुख्य पर्वत हैं और पर्वतों के आभूषण हैं। काला पत्थर से एवरेस्ट और खुंगू ग्लेशियर का दृश्य अद्वितीय है। यहाँ से आप पुमोरी नुप्से चांगसे अमा डबलम
तावेचे, कांटेगा और माउंट एवरेस्ट जैसे पर्वतों का अद्भुत पैनोरामा देख सकते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ईश उपनिषद मंत्र का अर्थ, वह जो परब्रह्म दिखाई नहीं देता है वह अनंत और पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है। यह दृश्यमान जगत भी अनंत है, उस अनंत से विश्व बहिर्गत हुआ। यह अनंत विश्व उस अनंत से बहिर्गत होने पर भी अनंत ही रह गया। ओम, वह अनंत है और यह ब्रह्मांड अनंत है। अनंत से अनंत की प्राप्ति होती है, तब अनंत ब्रह्मांड की अनंतता लेते हुए वह अनंत के रूप में अकेला रहता है। ओम, वह पूर्ण था, बटा है, सृष्टि उत्पत्ति के पहले भी, उत्पत्ति के बाद भी यह पूर्ण है। मतलब एक पूर्ण से दूसरा एक पूर्ण पैदा हुआ, वह भी पूर्ण ही है। पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी जो बचा हुआ है वह भी पूर्ण ही है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। यह कैसा आश्चर्यजनक गणित है। हमें पढ़ाया जाता है कि शून्य से शून्य का जमा, घटा, भागाकार आदि सबका शून्य फल मिलता है।